in chemistry classes, Hindi medium. 12th chemistry class में हम देख रहे थे lesson number 12 में हमने general introduction जो है lesson का वो कर लिया था, nomenclature कर लिया था, ये सब चीज़ें जो हमने करनी थी वो कर ली थी। अब हम देखते हैं क्रियात्मक समूह की संरचना या क्रियात्मक समूह की प्रकृति देखते हैं। क्रियात्मक समूह की प्रकृति, क्रियात्मक समूह की प्रकृति हम पढ़ रहे थे। क्रियात्मक समूह जो था अपना एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बनिक क्रियात्मक समूह ये होता है। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर की उपस्थिति होती है। कार्बन जो है वह sp2 संकरित होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी यदि हम देखें तो उस पर संकरण भी sp2 संकरित है। दोनों ही sp2 संकरित है। sp2 संकरण में इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उनकी व्यवस्था त्रिविम में समतल त्रिकोणीय होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। इस कारण से मैंने जो संरचना बनाई वो इस प्रकार है। अब इसमें कार्बन जो है जो sp2 संकरित है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति वाला होगा, मतलब कार्बोनिल समूह की संरचना जो है वह समतल त्रिकोणीय है। अब इसमें यदि हम अणु कक्षक के चित्रण करें इसका तो इस प्रकार से होगा कार्बन ऑक्सीजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो मैंने बना दिए हैं। इसके लिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो समाप्त से अभिव्यापन के अकॉर्डिंग मैंने बना दिए हैं। उसके बाद असंतृप्त कक्षक जो है पी कक्षक, असंतृप्त पी कक्षक है, असंतृप्त पी कक्षक, असंतृप्त पी कक्षक जो है वो ऑक्सीजन के असंतृप्त पी कक्षक के साथ संपार्श्व अभिव्यापन करता है। जो सिग्मा बॉन्ड जो मैंने बनाए हैं ये पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो मैंने बनाए हैं वो हम सभी जानते हैं कि संकरित कक्षकों के ये ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो संकरित कक्षक जो है वो हम 11th में पढ़ चुके हैं। संकरित कक्षक जो हैं उनके समाक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। ये कौन सा है समाक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध जो है वो है सिग्मा बंध और पीपी संपार्श्व अतिव्यापन से इस प्रकार से बंध बने। ये लोन पेयर दोनों लोन पेयर या असाधित इलेक्ट्रॉन युग्म असाधित इलेक्ट्रॉन युग्म। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये संरचना होगी इसकी क्रियात्मक समूह की संरचना या प्रकृति जो है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये कार्बोनिल समूह था। कार्बोनिल समूह जो है अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु जो है पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश होता है। हम जानते हैं कि कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वो ध्रुवीय हो जाता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं। ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित होने से पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वह ऑक्सीजन पर बढ़ जाता है। ऑक्सीजन पर पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से
ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, आंशिक ऋणावेशित हो जाता है और कार्बन आंशिक धनावेशित। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कार्बोनिल समूह जो है वह निम्न दो अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण है। एक तो यह है, एक पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का गेम होता है टोटली। जो अनुनाद है वो मैं आपको इलेवंथ में बता चुका हूँ, अनुनाद जो है वो ओनली एंड ओनली पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर का गेम होता है, खेल होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन अधिक द्विध्रुवीय पर स्थानांतरित करेंगे तो अधिक द्विध्रुवीय ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कम द्विध्रुवीय कार्बन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश और उस पर आंशिक ऋणावेश। इस प्रकार से यदि हम अनुनाद संकर देखें तो अनुनाद संकर यह होगा कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आया था और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यह क्या होगा, अनुनाद संकर। और अनुनाद संकर ही अणु की वास्तविक संरचना को व्यक्त करता है, अणु अथवा समूह की वास्तविक संरचना को व्यक्त करता है। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ मैं। हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह की प्रकृति या संरचना, इसके बारे में। तो क्रियात्मक समूह यदि हम देखें तो कार्बोनिल है, कार्बोनिल में कार्बन sp2 संतृप्त है, ऑक्सीजन जो है वो भी sp2 संतृप्त है। अब ऑक्सीजन अधिक द्विध्रुवीय होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, इस कारण से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थानीकृत होने से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश जो है वो आ जाता है। इस प्रकार से हम इसकी संरचना की व्याख्या भी कर सकते हैं कि आंशिक क्यों है, किस प्रकार से है। तो ये दो अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण होता है, अनुनादी संरचना फर्स्ट और सेकंड। तो उसके अनुनाद संकर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको व्यक्त करता है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन पार्शियली पॉजिटिव आंशिक धनावेशित और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव आंशिक ऋणावेशित जो है वो होती है। यदि हम इसमें पाई मंडल जो है उसकी संरचना के बारे में देखें तो असंतृप्त पी कक्षक जो है, असंतृप्त पी कक्षक जो कार्बन और ऑक्सीजन के, वो तल के लंबवत होते हैं और संपार्श्विक व्यापन करके और पीपी संपार्श्विक व्यापन द्वारा पाई मंडल का निर्माण कर लेते हैं। बाकी कार्बन पर तीन संकृत कक्षक जो हैं वो सिग्मा बंधन करते हैं और ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं और एक जो संकृत कक्षक है वह समाक्षीय व्यापन करके सिग्मा बंधन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से हमने देखा कि यह है क्रियात्मक समूह की प्रकृति, किस प्रकार से ध्रुवीय है, क्या कुछ होता है वो हमने देखा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि है तो आप कॉपी में से लिख करके रख लेना और मैं क्लासेज में बोर्ड पर क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन के विघटन की विधि, के विघटन की विधि, इसके विघटन की विधियां जो है वो देखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन के विघटन की विधि। ठीक है, हम इसकी विघटन की विधियां जो है इस प्रकार से स्टडी करेंगे कि कुछ विधियां जो है वो तो ऐसी हैं जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म किए जा सकते हैं, दोनों बनाए जा सकते हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिनमें केवल एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं और कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें केवल कीटोन ही बनाए जा सकते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे वो मेथड्स जिसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों का विघटन होता है, कीटोन के दोनों के विघटन की जो विधियां हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली विधि जो है वह लेते हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के
ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वही लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीडियो रिपीट करके आप लिख भी सकते हैं। इसमें आप देखिए, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो यह संगत एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, यदि 1 डिग्री, यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो यह संगत एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकारकों के द्वारा करवाया जाता है। ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीकारक जो है वो लेते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक हम यहाँ पर लेंगे एसिडिक या अम्लीय K2Cr2O7, या फिर हम लेंगे बेसिक या क्षारकीय, बेसिक या क्षारकीय KMnO4, ये ऑक्सीकारक लेंगे। इनसे जब हम ऑक्सीकृत करवाते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि 2 डिग्री लें, 2 डिग्री एल्कोहल लें, तो उस कंडीशन में 2 डिग्री एल्कोहल जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं एल्कोहल को, वह ऑक्सीकृत करने पर कीटोन बनाता है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अच्छे से समझते जाएं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे को वैसे, कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, तो ऑक्सीकारक यदि हम एसिडिक K2Cr2O7 या बेसिक KMnO4 जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में जनरली होती है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। अब इन ऑक्सीकारकों से जब हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो संगत एल्डिहाइड उतने कार्बन वाला संगत हम, और यदि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो संगत कीटोन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका विघटन होता है। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। लेकिन आप देख भी रहे हो पिछले लेसन में भी आपने देखा था, ऐसा थोड़े है कि यही पृष्ठोप हो जाएगा, K2Cr2O7 या बेसिक के अणुओं जो हैं वो इन्हें और आगे भी ऑक्सीकृत कर सकते हैं, और यह है और आगे ऑक्सीकृत होकर के जो एल्डिहाइड है वो संगत कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और कीटोन जो है वो निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। अब हमें रिएक्शन को रोकना है, यहाँ पर रिएक्शन जो है उसको रोकना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंस लेते हैं पीसीसी की प्रेजेंस लेते हैं। पीसीसी की फुल फॉर्म जो होती है वह होती है पीरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पीरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, इसकी प्रेजेंस लेते हैं। इसके प्रेजेंस लेते हैं तो ऑक्सीकरण जो है एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है, ऑक्सीकरण जो है वो एल्डिहाइड कीटोन पर ही रुक जाता है यदि हम पीसीसी की उपस्थिति ले लेते हैं। कि पीसीसी क्या होता है, आपने पिरिडीन की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ पर उसका अणुसूत्र लिखो तो आएगा C5H5N, ये पिरिडीन, और पिरिडीन एक क्षारक होता है, पिरिडीन एक क्षारक होता है। जो होता है पिरिडीन, देखिए आपको मैं करवा भी चुका हूँ, ये है, और इसका अणुसूत्र जो है हमने लिख दिया, यह है एक क्षारक होता है, और यह HCl अम्ल के साथ तुरंत क्रिया करके और क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, पिरिडीनियम क्लोराइड। यदि हम इसके साथ क्रोमेट संबंध लें तो उस स्थिति में CrO3, यदि हम इसके साथ लेते हैं तो यह बन जाए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मेरा यहाँ पर बताने का यह
में मकसद नहीं था, मेरा मकसद यह है कि पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो है उसकी उसका सूत्र क्या होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। पिरिडिन, पिरिडिनियम पॉजिटिव चार्ज आते ही क्लोरोक्रोमेट, तो ये इसका पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला जो है वो ये। इसके प्रेजेंस ले लेते हैं तो अभिक्रिया बीच में रुक जाती है, एल्डिहाइड कीटोन तक ही ऑक्सीकरण होता है, अदरवाइज ऑक्सीकरण जो है वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक रोकने के लिए पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो काम में लिया जाता है। आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी भी यदि आपको दिक्कत हो तो बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये था एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, और ये आपने पहले देख लिया था, लेकिन बीच में रोकने के लिए पीसीसी काम में देखते हैं, इसलिए मैंने इसे आपको बताया डिटेल से। अब दूसरी विधि देखते हैं, दूसरी विधि जो है वो देखते हैं, दूसरी विधि जो है उसमें हम देखते हैं एल्कोहल के, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण से एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालने, विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं एल्कोहल का, तो ये बन जाएगा। यह एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण आप पिछले लेसन में देख चुके हैं, पीछे जो आपको पढ़ाया है उसमें आप देख चुके हैं एल्कोहल में, और एल्कोहल में आपको मैंने बताया था कि यदि 1 डिग्री एल्कोहल में भी हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो एल्डिहाइड बनेगा, और ये कितने किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, कॉपर तत्व, कॉपर धातु के ऊपर से, मतलब 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर धातु के ऊपर से जब एल्कोहल को गुजारा जाता है तो इसका भी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और संगत एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जितना कार्बन का एल्कोहल है। यदि हम 2 डिग्री लें R2CHOH और यही कंडीशन अप्लाई करें तो कीटोन प्राप्त होगा, कीटोन जो है उसका फॉर्मेशन होगा। यदि हम 2 डिग्री एल्कोहल लें तो ये हमारे पास मिल जाएगा कीटोन। 3 डिग्री में तो एल्कीन बनती है, वो पहले ही बता दिया था आपको, लेकिन हम विस्तृत की विधियाँ देख रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो हम ये दो ही देखेंगे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो है वो ये दो हम देखेंगे, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यदि इसे और डिटेल से देखना चाहते हैं तो इस पर मैं देख ले, बाकी मैंने बता दिया था पूरा, ये करते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विधि देखते हैं, तीसरी विधि जो है वह देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लाउंज, तो इसमें आप ले मेल लिखोगे, यदि आप फास्ट लगे तो आप रिपीट करके देख लेना, इसमें आप ले मेल लिखोगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन किया जाता है, तो शुष्क आसवन किया जाता है तो एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं। इसमें भी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, यदि कैल्शियम कार्बेट, यदि कैल्शियम कार्बेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड, यदि कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो उस कंडीशन में हमें कैल्शियम कार्बोक्सिलेट तथा साथ में दूसरा कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर का, के
मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण कैल्शियम फार्मेट को छोड़कर के बाकी कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। इसी सीक्वेंस में आप इसे समझ लें और दोबारा सुनने की जरूरत पड़े तो आप आराम से इसे सुन सकते हैं। देखिए, पहला हम बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें पहले बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कैल्शियम फार्मेट लेना पड़ेगा। कैल्शियम फार्मेट थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें। कैल्शियम फार्मेट ये है CaOCOH, या ऐसे भी लिख सकते हो आप डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब यदि हम इसका शुष्क आसवन करें, शुष्क आसवन करें, तो शुष्क आसवन का क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, माइनस CaCO3 निकाल दीजिए, CaCO3 ऐसे निकाल दीजिए, CaCO3 बाकी को जोड़ दीजिए और ये हमारे पास बन गया HCl2। हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब यदि हमें अदर एल्डिहाइड बनाना है, अन्य एल्डिहाइड, तो उस कंडीशन में हमें इसके साथ साथ हमें कैल्शियम फार्मेट को छोड़ करके अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण लेने हैं, देखते हैं इसे हम, ये हमने लिया CA और इसे हमने, मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरफ मैं इसे एल्डिहाइड को छोड़ कर रहा हूँ, थोड़ा देखते हैं, डबल बॉन्ड को और ये H O C O2 प्लस CaO C O2 R C O2 R, ठीक है, ये लिया हमने। यदि हम इसका शुष्क आसवन कराते हैं, शुष्क आसवन, यदि हम इसका शुष्क आसवन करवाते हैं तो इस स्थिति में CaCO3 निकल जाएगा और हमारे पास 2 मोल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहां से काटिए CaCO3 निकाल दीजिए, CaCO3 दोनों को मिला करके CaCO3 निकाल दीजिए, बाकी हमारे पास बना वो है एल्डिहाइड, वो हमारे पास है एल्डिहाइड। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण हाइड्रोजन हटा दीजिए, वहां पर कैल्शियम जोड़ दीजिए, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों पर 1 कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, वह जुड़ेगा और उसके साथ ही आप देखोगे शुष्क आसवन इसका करवाएंगे तो कैल्शियम फार्मेट जो है वह तो फार्मेल्डिहाइड बनाएगा, और शुष्क आसवन पर हमारे पास कैल्शियम फार्मेट के साथ यदि अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण बनाएंगे लेंगे तो उस कंडीशन में कैल्शियम लवण लेंगे अगर इसके साथ कैल्शियम फार्मेट के साथ कैल्शियम के अदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ लवण लेंगे तो शुष्क आसवन पर हमारे पास एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन होगा। अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम
वाला मैं मिटा रहा हूँ, तीसरा ले रहे हैं। अब हम तीसरा जो है वो ले सी, तो हम फॉर्मेशन देखेंगे कीटोन का, फॉर्मेशन कीटोन का बनना। कीटोन बनाने के लिए हमें, कीटोन बनाने के लिए हमें कैल्शियम फार्मेट को छोड़ करके कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसमें फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़ करके बाकी किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके कैल्शियम लवण को लिया जाएगा तो हमारे पास कीटोन बनेगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास कीटोन जो है उसका फॉर्मेशन होगा कीटोन। तो ये तीसरा है, ये यहाँ से देख ले आप, ये तीसरा है कीटोन का बनना, अच्छे से देख ले और कैल्शियम कार्बोनेट से उसका सोम पर निकल जाएगा और कीटोन का फॉर्मेशन जो है वह हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो कर लेंगे। मिश्रण ले लेते हैं ना दोनों का, तब तक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और जब हम प्योर फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़कर अन्य फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़कर के अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण को लेते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास कीटोन बनेगा। यदि कैल्शियम फार्मेट लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, और इन दोनों के ऊपर और नीचे वाले के मिश्रण को ले लेते हैं तो बीच वाला बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड हमारे पास कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अदर कैल्शियम फार्मेट को छोड़ करके उनका मिश्रण कर लेंगे और उनका सुष्कासन करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, जो आप वीडियो रिवर्स करके देख भी सकते हैं मैंने बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ, जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से, जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से, जैम डाई हैलाइड क्वेश्चन ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया, पीछे करवाया हुआ था इसलिए वो फास्ट नहीं ले रहा हूँ, पीछे करवाया हुआ फास्ट ले रहा हूँ, आप आराम से समझ जाओ कि किस बात को। देखो जैम ले लिया हमने और इसका यदि हम जल अपघटन करें तो हम एक्वाटिक केवर्ग से करेंगे, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जलीय केवर्ग से यदि हम इसका जल अपघटन करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास ये बनेगा, और ये कैसा है, अस्थाई है, क्योंकि एक ही कार्बन शब्द तो हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने आपको बताया है अस्थाई होते हैं, तो वापस एस्ट्रो जो है वो निकल जाएगा और हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यदि जैम डाई हैलाइड वाला कार्बन जो हो 2 डिग्री हो, कैसा हो 2 डिग्री, जैसे देखिए 2 डिग्री हो तो कीटोन बनेगा, 2 डिग्री हो तो कीटोन बनेगा, वही दे दीजिए एक्वाटिक केवर्स, तो अब हमारे पास कीटोन बनेगा CH3 CO2 CH3। एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एस्थाई होते, माइनस H2 निकाल दीजिए, माइनस H2 स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और कीटोन बन जाएगा। कीटोन का नाम है एसीटोन, कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन, तो हमारे पास एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से इस प्रकार से हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये शायद कुछ है वो अभी नेक्स्ट लेते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से
एक रिएक्शन तो आपको पहले आएगी और बाकी अभी देख लेंगे। पहले हम एल्डिहाइड का प्रोड्यूशन देखेंगे, एल्डिहाइड का बनना, ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्डिहाइड कैसे बनता है वो देखेंगे। ग्रिग्नार अभिकर्मक है हमारे पास RMG, ठीक है। इसकी क्रिया पहले भी आ चुकी है, यदि हम इसकी क्रिया RMH जो हमने दिया, इसकी क्रिया यदि हम RMH इसकी क्रिया यदि हम फार्मिक अम्ल के लवण से करवाएं, फार्मिक अम्ल जो हम लेते हैं उसके लवण से करवाएं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट ले लें, HCO-K+ या N+ ले लीजिए, इसकी रिएक्शन RMH से करवाएं तो वी नो दैट रिएक्शन जो है वह किस पर होती है, यहाँ पर रिएक्शन जो है वह पाई बॉन्ड पर होती है, और पाई बॉन्ड पर होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास HCO एक तरफ R जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ MgH जुड़ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है इसे हम एजिटेट लिख देते हैं O-K+, ठीक है। फिर हम इसका क्या करते हैं, जलापटन करते हैं, अम्लीकृत जलापटन करते हैं, अम्लीकृत जलापटन जो है वह कर देगा, अम्लीकृत जलापटन करोगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है वह एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए ये बन गया RCH और O, ये अम्लीकृत जलापटन होने से हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, जो एस्टर है ना वो जनरली दिया जाता है, पोटेशियम फार्मेट की बजाय एस्टर ले लेते हैं इसका, और वो भी फार्मेट अम्ल का एस्टर C2H5, हम ये ले लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, फार्मेट अम्ल जो है उसका एस्टर ले लेंगे, फार्मिक अम्ल के एस्टर की जीआर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, फार्मिक अम्ल के एस्टर की जीआर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो उस स्थिति में डबल बॉन्ड जो है वह टूटेगा और उसके ऊपर एडिशन होगा RMGH का, और RMGH का एडिशन होगा तो हमारे पास ये बनेगा। अब हम इसका अम्लीकृत जलापटन करते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखिए H OH, और एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह स्थायी होते हैं, इसलिए RCO बन जाएगा, प्लस एथेनॉल प्लस MgOH, ठीक है, MgOH इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए आप, ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवा रहे हैं, ये रिएक्शन किससे करवाई गई है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नोटिस नहीं देना चाह रहा था। जो फार्मिक अम्ल है उसके एस्टर, फार्मिक अम्ल जो है उसके एस्टर की जीआर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक यौगोत्पाद प्राप्त होता है जो जलापटित होकर के एल्डिहाइड देता है, ठीक है। अब इसे आप कैसे देखोगे, इसे आप देखोगे कि रिएक्शन करवाओगे तो यह बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड पर एडिशन होगा, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर हमारे पास जो ग्रुप है धनात्मक MgH ये जुड़ेगा, और कार्बन के ऊपर एल्किल ग्रुप जो है उसका एडिशन हो जाएगा। उसके बाद हम जलापटन करेंगे इसका, तो जलापटन करेंगे तो हमारे पास एक ही कार्बन पर दो OH आएंगे जो अस्थायी होते हैं, और हमारे पास RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCHO का फॉर्मेशन मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एथेनॉल जो है
वह और एम की पावर एक्स साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। ठीक है, अब हम दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरी जो विधि है वो एलसीएम के साथ करवा सकते हैं, ये हम डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।